सरकारी दफ्तरों में कार्यरत है ऐसी महिलाओं के लिए जिन महिलाओं के बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकारी दफ्तरों में क्रैश नाम से एक ऐसे शिशु गृह की स्थापना की जा रही है। इस शिशु कक्ष पर बच्चों के खेल खिलौने के साथ साथ उनकी सुविधा के अनुसार एलईडी और मनोरंजन की सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों के खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बच्चों का मन लग सके। मंडल मुरादाबाद का पहला क्रच यानी कि पहला शिशु गृह कार्ट रोड स्थित विकास भवन में भूतल में स्थापित किया गया है, जहां पर दो महिला आंगनबाड़ियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अब सरकारी दफ्तर में कार्यरत महिलाएं अपने बच्चों को इस शिशु गृह में छोड़कर सुकून के साथ ड्यूटी कर सकती है। विकास भवन पर स्थापित किए गए इस शिशु गृह पर बच्चों के लिए खेल खिलौने, एलईडी, झूला, आराम करने के लिए बिस्तर जैसी सुविधाएं हैं। विकास भवन पर तैनात एक महिला कर्मचारी द्वारा बताया गया कि पहले उनको काफी परेशानी थी, बच्चे को घर छोड़कर आना पड़ता था जिससे बच्चे की काफी फिक्र रहती थी, लेकिन विकास भवन पर बने इस केंद्र पर अब बच्चों को छोड़ देती है। पहले बच्चे को छोड़ने में प्रॉब्लम रहती थी, कहाँ छोड़े, कैसे छोड़े, और अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, टेंशन नहीं रहती। जी बहुत राहत मिली। किस तरह की दिक्कत आती है आपको जॉब में? अकेले छोड़ने, कैसे छोड़ें, किस पर छोड़ें, ये प्रॉब्लम रहती थी। अब काम के साथ कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता होगा? नहीं, सरकार के लिए क्या करेगी जो इस तरह की? थैंक यू, बहुत अच्छी तरह शिशु गृह केंद्र पर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर तैनात हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। ये है विकास भवन। क्या बनाया गया है? ये शिशु गृह बनाया गया है। किसके बच्चे आते हैं यहाँ पे? 2-4 बच्चे आ जाते हैं, अभी शुरू हुआ है, एक हफ्ते ही हुआ खुला हुआ, तो 2-4 बच्चे आ जाते हैं। बच्चे किन के होते हैं? बच्चे दो यहाँ पर काम काज महिलाएं होते हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। क्या आम आदमी के बच्चों की भी एंट्री है? इसका तो मुझे पता नहीं है, हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, इसका पता नहीं। आपकी ड्यूटी आज ही लगी? आज ही लगी है मेरी ड्यूटी। लेकिन और बच्चे अगर आना चाहे तो आ सकते? आ सकते हैं। वैसे विकास भवन पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा बताया गया कि विकास भवन में क्रश नाम से शिशु गृह बनाया गया है ताकि हम अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दिला सके। इस कार्यक्रम की पहल की गई है, अगर क्रश शिशु गृह से फायदा मिलता है तो अन्य विभागों में भी इसकी शुरुआत होगी। ये जो मुरादाबाद जनपद में हमारा विकास भवन स्थित है, इसमें हमारे काफी ज्यादा अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं, काफी महिला कर्मचारी और अधिकारी भी विकास भवन में यहाँ पर काम करते हैं। तो काफी हमारे कर्मचारियों की समस्या थी कि जब वो काम पर आ जाते हैं तो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनको या तो घर पर कोई मेड रखनी होती है या फिर उनकी देखभाल करने के लिए उनको अपने आस पड़ोसी किसी के पास उनको रखना पड़ता है। उसी के चलते उनकी समस्याओं को सुना गया और हम लोगों ने यहाँ विकास भवन में हमारे एक शिशु गृह या क्रेच करके यहाँ पर एक फैसिलिटी खोली गई है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर एक कमरे को पूरा डेवलप किया है, उसमें हमने बच्चों के लिए खेलने के खिलौने रखे हैं, पढ़ने के लिए किताबें रखी हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए हैं और साथ साथ एक स्मार्ट टीवी भी लगाया है ताकि बच्चे अगर कुछ अपना पढ़ना चाहें, कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहें तो वो कर सकें। साथ साथ हमने क्रेच की देखभाल करने के लिए यहाँ पर ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं 2 शिफ्टों में, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनकी देखभाल हो सके, उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकें। हमारे कर्मचारियों के अलावा जो यहाँ पर शिकायतकर्ता आते हैं उनके साथ भी अगर कोई बच्चा आता है और वो अपने बच्चे को वहाँ क्रेच फैसिलिटी में रखना चाहते हैं विकास भवन की ऑफिस टाइम के दौरान, तो वो लोग भी अलाउड है अपने बच्चे को रखने के लिए। इसके लिए हमने एक रजिस्टर भी बनाया है ताकि जो बच्चा एंट्री कर रहा है वही बच्चा कितने बजे एग्जिट करता है उसका हम लोग पूरा ट्रैक कर सकें। और इसके लिए हम लोग जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा इसमें काफ़ी सहयोग किया गया है। हमने जो बाथरूम था नीचे वाले फ्लोर पर उसको पूरा मॉडिफाई कराया है ताकि एक बच्चे के लिए वो चाइल्ड फ्रेंडली बाथरूम बन सके, वो पंचायत विभाग के द्वारा कराया गया है। साथ साथ ICDS में जो DPO मैडम है यहाँ पर उनके द्वारा इसके अंदर का जो व्यवस्था है उसको CSR के माध्यम से करवाया गया है और अभी ये काफी अच्छा हमारा फंक्शनल चल रहा है। सर, ये पायलट प्रोजेक्ट मान लिया जाए कि आगे जाके इस तरह के और भी जगह बनाए जा सकते हैं बाद में? बिल्कुल, जैसे सरकार की भी ये मंशा है कि हमारे जो अभी हमारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं सब लोग जो हैं अच्छे एक बिना स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट में काम कर सकें और उनके बच्चों की देखभाल और उनके बच्चों की स्कूलिंग भी किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसी तरीके से आई थिंक और भी हमारे जो सरकारी भवन है, सरकारी ऑफिस है जहाँ पर हमारे कर्मचारी ज्यादा बैठते हैं उनमें भी हम लोग स्क्रेच की फैसिलिटी को धीरे धीरे शुरू कराएंगे। ये कहना तो मतलब मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। मंडल में? हाँ, मंडल की पहले सरकारी बिल्डिंग का पहला एक क्रेच फैसिलिटी होगी जो हम लोगों ने विकास भवन में शुरू करी है।